और सीधे आपको लिए चल रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पटना में संबोधित कर रहे हैं। एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है। 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों को, अभी अभी मुझे सम्राट चौधरी बता रहे थे, 1 करोड़ लोगों को कार्ड बांट दिया 2 महीना में। 1 करोड़ परिवार मतलब 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, मुफ्त में। अब किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती है तो इसको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, एक विश्वकर्मा योजना लाए हैं, लगभग 20 प्रकार के कामकाज करने वाले विश्वकर्मा भाइयों को 5% से रियायती ब्याज पर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया और 15,000 का किट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। भाइयों और बहनों, ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों घपला घोटाला करने वाली पार्टी है। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अबजों रुपयों की जब्त की। मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बॉफोर्स घोटाला, शारदा चिटफंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। और मोदी जी एक गरीब के घर से आया हुआ आदमी है, एक चाय बेचने वाले गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। इतने साल हो गए, 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में भाई और बहनों, मोदी जी को एक तीसरा मौका दीजिए, 400 पार कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, लालू तक आवाज जाए ऐसे, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये लालू कांग्रेस सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। लालू जी, आप कुछ नहीं कर सकते,
बिहार की जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। इसके साथ साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद नक्सलवाद को भी समाप्त किया। भाइयों और बहनों, इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। इस देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का उत्थान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मुझे बताइए, मैं आज इस पाटलिपुत्र की महान भूमि पर आया हूं। आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए को मोदी जी की झोली में डालेगी क्या? जोर से बोलिए, डालेगी क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ 400 पार कराएंगे क्या? जीन।